जिला फिरोजपुर में पंजाब सुबर्डिनेट सर्विसेज फेडरेशन की ओर से सिविल अस्पताल में 13 फरवरी को पंजाब और यूटी मुलाजिम की होने जा रही हल्ला बोल रैली के संबंध में रोष प्रदर्शन किया गया। लूथरा ने बताया कि अगर अध्यापकों की बात करें तो वह पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर लड़ रहे हैं। इस समय उन्होंने पंजाब सरकार के मुलाजिम विरोधी और लोक विरोधी फैसलों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सभी मुलाजिमों को एकजुट होने की अपील की है। ICTC सेंटर फिरोजपुर सिविल हॉस्पिटल विच काम कर रही पोस्ट है, हाँ क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है मेरी, पर बड़ी अफसोस की गल है कि इन्ने साल बाद, इन्ने साल नौकरी करन तो बाद, कॉन्ट्रैक्ट के ठेके से नौकरी करन तो बाद भी सरकार साढ़े बारे कुछ नहीं सोच रही, सानू पक्या करन बारे कुछ नहीं सोचा जा रहा। उल्टा जिहड़े टीचर साढ़े एजिटेशन धरनिया से गए से उन्हां ते लाठीचार्ज किया गया, पानी दे बुछारा कीतियां गईयां, उन्हां दे बच्चे भी कुछ सी नाल जिहड़े कि इंजर्ड होए ने, पर इस चीज़ का बहुत अफसोस है। कैप्टन सरकार तो कुछ उम्मीदा असी ला के रखियां सी, पर मेरे ख्याल दे विच जिहड़ियां भी सरकारां आंदियां ने कुछ भी मुलाजमां बारे सोच रहियां नहीं कि इन्हां बारे भी कुछ असी चंगा करके जाइए, और असी इन्नियां ठेके ते एक एक बंदे ते इन्ना इन्ना काम, 10-10 पोस्टों का काम थोपिया गया है, बड़ी मुश्किल दे नाल असी मजबूरी दे मारे काम कर रहे हैं। जे होर कुछ साड़ी उम्र भी लंघ चुकी है इस डिपार्टमेंट विच काम करदे, हुण किसे डिपार्टमेंट ने सानू नौकरियां भी नहीं देनियां, ना अगे जोगे रहे ते ना पिछे जोगे। उम्मीद करदी हां कि कैप्टन सरकार कुछ साड़ियां मजबूरियां नू समझदे होए कुछ इहदा हल जल्दी लभण दी कोशिश करेगी। मुख एजेंडा है भी 13 फरवरी जी मोहाली विखे जी पंजाब ते यूटी मुलाजम पेंशनर संघर्ष कमेटी वालों जी हल्ला बोल रैली की जा रही है, उनकी तैयारी वजो आज जड़ा इतने प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि मुलाजमान दियां पिछले लंबे समय तो लटकदियां मंगां जिमें कि वक्ख वक्ख भागां विच ठेका आधारित आउटसोर्सिंग ते डेली बेस जिहड़े काम करदे आ उहनां नूं पक्का करना, 6वें पे कमीशन की जिहड़ी है वह रिपोर्ट नूं तुरंत लागू करना, सारे विभागों में खाली पईआं असामियां नूं रैगूलर तौर पर भरना, तो DA दीआं जिहड़ीआं किश्तां दा बकाया ते DA दा एरियर जिहड़ा है वह लैण वास्ते पंजाब दे मुलाजम जिहड़े आ वह लगातार पंजाब सरकार दे खिलाफ संघर्ष कर रहे सीगे, पर सरकार ने एक जगो तेरमी करदे होए ये मंगा तो मंगना कि एक पासे रहा, सरकार ने जिहड़ा ये मुलाजमान नूं जिहड़ा होर जिहड़ी छंटनी करके जिहड़े टीचर्स जिहड़े आ पिछले जिहड़े आ 15-15 साल तो काम कर रहे सी उन्हां दीआं 45,000 तो जिहड़ियां वो 15,300 रुपए तनखावां करन दा जिहड़ा काम कीता, और देण दी बजाय कुछ जिहड़ा वो 200 रुपए सारे पंजाब दे मुलाजमां दा डिवेलपमेंट टैक्स लाया, और टीचरां ते कल जिहड़े टीचर अपना जिहड़ा पुरअमन तरीके दे नाल जिहड़ा पटियाला विखे अपनियां मंगां दे संबंध में प्रोटेस्ट कर रहे सीगे, इस सरकार ने आपदी नादरशाही नीति दे तहत उन्हां दे जिहड़ी लाठीचार्ज किया, अज दा इकट्ठ उस लाठीचार्ज की सख्त निखेधी करता और सरकार को चेतावनी दिंदा कि आने वाले समय के सरकार दीआं जिहड़ियां चालां ने चाहे वह मुलाजम विरोधी ने चाहे वह मजदूर विरोधी ने चाहे वह किसान विरोधी ने इन्हां सारिआं दा खमियाजा चाहे वह मुलाजमां दीआं जिहड़ियां मंगां ने ते वक्ख वक्ख महकमिआं नूं जिहड़ा निजीकरण दा फैसला सरकार लैण जा रही है उस दे विरोध दे विच आने वाले समय दे विच ये जी साड़ी संघर्ष कमेटी है होर तिखे जड़े वो संघर्ष उलीकेगी और ये सरकार नूं जिहड़ा ये आपदे फैसले वापस लैण वास्ते मजबूर करेगी। एनस्टा न्यूज़ के लिए फिरोजपुर से सुखचैन सिंह की रिपोर्ट।